Well, why this laughter is the? मेरी सास मुझे कहती है chapter is the. अरे हंसू ना तो और क्या करूं, डायनासोर के दद्दू के भी दद्दू. पता नहीं वो कमिश्नर साहब ने क्या सोच के उस भद्दी फिगर वाली चंद्रमुखी की ड्यूटी मेरे साथ वो दीदी दीदी और भैया भैया वाले केस में लगा दी. हाँ भाई सही बात है, मतलब ये मैडम तो इतनी टैलेंटेड हैं कि ये भैया भैया दीदी दीदी के सास सास ननद ननद का केस भी अकेले ही सॉल्व कर सके. वेरी गुड, बहुत जल्दी समझ गई हो तुम कि मैं हूँ कमसिन. आहा, कर दूंगी सबको स्वाहा. अबे ओ आदित्य पंचोली के चाइल्ड आर्टिस्ट, शीशा निकाल, मुझे अपनी खूबसूरती को निहारना है. बताए आईने, इस जहान में मुझसे भी ज्यादा कोई खूबसूरत है? ओ, ओ, ओ. मैं हूँ या कोई और? कोई और, मतलब कोई और कैसे हो सकता है मैडम आपके अलावा? भाई मैं क्या कह रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं कमिश्नर साहब को फोन लगा के बता दूं कि ये जो मैडम है अपनी है सुंदर वाली कम से ना ये करेंगी केस सॉल्व अकेले. आप तो बाद में फोन करेंगे, हम तो अभी फिलहाल राइट नाउ फोन कर देते हैं और बोलेंगे कि कमसिन आहा जी अकेले जाएंगी केस सॉल्व करने के लिए. मैं फोन का कुछ यूज. यस मैं चला. मेरे हैंडसम हसीन होलोलोलो, तुम क्यों तकलीफ दे रहे हो अपने कोमल कोमल हाथों को? यू नो कमिश्नर साहब थोड़े बुजुर्ग हैं, एज जो उनको पता है कि कब क्या करना है. उन्होंने कुछ सोच के ही इस भद्दी फिगर की ड्यूटी मेरे साथ लगाई है ताकि वो मेरे साथ रहते रहते कुछ सीख जाए. हेलो बेबी, ध्यान से मेरे काम को देखा करो, तुम भी मुझसे कुछ ना कुछ सीखोगी और मैं भी तुम्हें बहुत अच्छा कुछ सिखाऊंगी. जी मैडम, मैं भी बस यही चाह रही हूँ कि आपके अंदर हमारी ट्रेनिंग हो जाए एक बार, फिर तो बस डायरेक्ट जो है संन्यास लेने निकलूंगी जंगल विद कमंडल. ये संस्कार लेके आई है तू अपने माँ बाप के घर से, ये सीख के आई है तू वहां से कि यह करना पति के घर पे जाके कोई काम नहीं करना है, सारा सामान यहाँ से वहाँ, बस बिखरा हुआ है घर में, जब से आई है बस किचन से निकलती नहीं है बाहर, तेरा ही पेट भर रहा है, हम तो कंगले हो गए, भूखे मर गए हम, हमारे लिए कुछ नहीं बन रहा है सामान. ये गद्दा, तीन दिन से गद्दा यहाँ पड़ा हुआ है, तीन दिन से तुझे बोला अलमारी में रखना है इसको, क्यों नहीं रखा? अलमारी कहाँ है? ये क्या है, ये अलमारी नहीं है, अलमारी नहीं दिखाई दे रही तुझे, सड़ रही है, जंग लग गया उसमें. रख इसको गद्दे को उठा के. अरे हट बुड्ढू. ला 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 ला, तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो, तुम्हारी हड्डियां टूट जाएंगी, गद्दा खुद अलमारी के पास चल के जाएगा. अलमारी, इस गद्दे को अपने अंदर रख लो. भाई साहब जरा इधर आओ, उस ससुराल से भूत प्रेत भी लाइए ना, ये गद्दे अलमारी बातें कर रहे हैं. कुछ हो रहा है सर. तेरे को और कोई गद्दा नहीं मिला बे? हम जा रहे हैं मिस्टर डाला टाइपिस्ट के पास. क्यों? अपना रेजिग्नेशन टाइप करने. ना ये बर्दाश्त होता है, ना ये बर्दाश्त होता है, हम तो जा रहे हैं, आप छोड़ेंगे हमें प्लीज? ला 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 ला, हम जा रहे सर. ये मिस्टर बजरंग पांडे इतना रूठे हुए क्यों गए? अरे सर आपका यो साला जो है ना, ये और नित प्रतिदिन कुछ ना कुछ भूल के जो है किसी को कुछ ना कुछ बना दे, आज अलमारी बना दिया इनको. अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, मुझे कई बार फ्रिज समझ चुका है ये. सौ है सौ. अब आप दोनों गौर से सुनिए, भैया भैया दीदी दीदी गैंग बहुत ही शार्प माइंडेड है,
कहीं उनको शक न हो जाए, इसलिए आप दोनों को सच में पॉकेट मारनी सीखनी पड़ेगी। सर लेकिन यो तो कितने शर्म की बात होगी कि पुलिस वाले जो है किसी पॉकेट मार से पॉकेट मारनी सीख रहे हैं। अरे क्या मैडम, मैडम मेरे होते हुए आप ऐसी बातें कर रही हैं। मैडम मैं सिखाऊंगा ना। अरे मैडम पिछली बार जब मैं 6 महीने के लिए सस्पेंड हुआ था तब मैं पॉकेट ही तो मारता था। तो तय रहा, गुलगुले पॉकेट मार के देगा हमें लाइव डेमो इज द आई लाइक रेमो इज द कैरी ऑन। भैया ये रहा लैपटॉप, और मैंने पता किया है इसको पेन ड्राइव बोलते हैं। अब आप इस पेन ड्राइव को इस लैपटॉप में लगाइए और हम देखते हैं कि आखिर इसमें है तो है क्या। आगे होके लेटो। इसके अंदर जो भी है इसे लगाओ, मुझे तुरंत दिखाओ। किशन कन्हैया पीछे होके बैठो। अभी लो भैया। अरे क्या हुआ, पीछे होके बैठो। अरे भैया भैया ये ऑन ही नहीं हो रहा है, शाम से सन्नाटा है। भैया हमको तो लगता है ये लैपटॉप खराब है, खंडहर सुनसान है। खंडहर सुनसान है लेकिन लैपटॉप खराब है तो इसे ठीक करवाओ, इसे तैयार करवाओ, बनवाओ, मैकेनिक के पास लेके जाओ, कुछ भी करो, या फिर दूसरे का लैपटॉप चुरा के ले आओ। अरे इसको क्या कहते हैं, इसको छोटे पेन ड्राइव भैया। हाँ है पेन ड्राइव। हाँ इसके अंदर क्या है वो मुझे देखना है अभी के अभी। पीछे होके बैठो। क्या है इसके अंदर? हाँ बस बस बस, तेरा फर्स्ट टाइम है ना। सीख सीख तू मेरे से सीख। मैडम को सिखा दो, मैं तो सब सिखा हुआ हूँ। अरे होशियारी करने की जरूरत नहीं है। चल ना काटना यार। तू एक काम कर, अब यहाँ से जो भी आदमी आएगा ना तू उससे टाइम पूछ, टाइम पूछ के उसको थोड़ा बिजी रख, पीछे से मैं अपना काम कर लूंगा। रखो बाद में, समझ गया ना, बाद में आता हूँ, बहुत महंगा भाई। इतना तो मैं कर लूंगा। अरे अंकल टाइम क्या हुआ है? 11:30। नहीं 11:30 कोई, 11:30। 11:30 हुआ। 11:30 कैसे, 11:30 हुआ होगा ना। अरे नहीं भाई 11:30 हुआ। 11:30 11:30 कैसे, 11:30 हुआ होगा ना। नहीं भाई 11:30 हुआ। ए पॉकेट मार, ए पकड़ो, ए पकड़ो, ए चोर, ए चोर मेरा बटुआ। अरे अरे चोर है, चोर है, चोर है, चोर मेरा बटुआ। अरे पकड़ के रखो, अरे चोर है, चोर है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट भाई साहब, अभी दूध का दूध पानी का पानी, आपका बटुआ इन्होंने चुराया ना? चुराया, चुराया ना, मैंने देखा है, ये चोर है, मारो मार्केट में चोर है, चोर गुलशन भसीन क्या होते हुए यहाँ इलाके में कोई पॉकेट मारी नहीं होगी। आप पुलिस को बुलाओ, पुलिस को, पुलिस आएगी। आप अबे अंकल जाओ ना बचाना। किसको? अबे उसको और क्या मन्ने। पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। छोड़ो 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 छोड़ो, पुलिस आ गई, चलो चलो छोड़ो चलो चलो, जेब कचरे को हमने पकड़ी, चलो पुलिस, चल चल चलो जाओ, चलो हो गया हो गया, चलो 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 चलो। अरे तेरा मिल गया ना, जा 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 चल। पीने को चलो चलो। इधर आसपास कोई अस्पताल है? Excuse me, baby. आप नर्स हैं? सिस्टर है सिस्टर। फॉरवर्ड प्लीज कैरी ऑन। आए नहीं? कौन? गुलगुले और बिल्लू अब तक?
सॉरी गुलगुले जी, चलो चलो सॉरी चलो सॉरी। क्या मेरे गालों का गोल गप्पा बन गया है और तू कह रहा है चलो सॉरी? मेरे दांत तोड़ दिए गए और तू कह रहा है चलो सॉरी? मेरे शरीर में सूजन आ गई है और तू कह रहा है चलो सॉरी? हड्डियों में हड़कंप मची है और तू कह रहा है चलो सॉरी? चलो कोई नहीं गुलगुले यार, बच्चा है, गलती होगी, ऐसे भूल जाता है ना बेचारा, कोई बात नहीं, कोई नहीं करते। मैं गोपी मैं भी भूल जाऊंगा, ये कौन है फिर, कहना नहीं मेरे साथ। ओहो अबा क्यों रो रहा है इंसान, तो ले जो हो गया सो हो गया, क्या है इसमें? और वो आप बिना एक नंबर के, और वो आप इस हालत में मुझे सारी गलती आपकी है मैडम। अबे इसे साथ में लेके ही नहीं आना चाहिए था ना। कोई गलती मारी ना है, गलती हो रही कमिश्नर की, इसके जीजा की, सुसरे की, ना क्यों रखी उसने अपने बालेट में पेन ड्राइव जो उन्होंने मार लिया अपना भैया भैया दीदी दीदी गैंग ने। खुले है मेरे कान इज द है। अबे मैं यहाँ प्लान बनाती रहूँ, मैं प्रेम चोपड़ा हूँ, मैं रंजीत हूँ, अजीत हूँ, यहाँ मैं प्लान बनाऊ। मैं प्लान ही वही है कि अगले जो है 2 सेकंड में अगर इसके दिमाग में हमारा कोई प्लान ना आया तो 3 सेकंड में जो है चौथा होगा, इसका यही प्लान है और के प्लान है। और इस हालत में भी आप मुझ पे ही प्रेशर डाल रहे हैं। आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टमाटर भिंडी इंग्लिश हिंदी आ रहा है। तो जिंदगी के टमाटर फोड़ दूंगी, सांसों की भिंडी भून दूंगी, फिर देगा आइडिया। अब जरा इस खम्बे के पीछे आइए ना, दे रहा हूँ मैडम आइडिया, दे रहा हूँ मैडम। क्यों ना हम किसी प्रोफेशनल जेब कतरा, जिसने उठाया हो हर खतरा, उसे अपनी चौकी में बुलाएं और उससे आप दोनों को ट्रेनिंग दिलवाएं। यार इतने बढ़िया आइडिया देता है ना यो लौंडा, ना भाई यो आइडिया पहले दे देता तो इसकी पिटाई ना होती। नहीं पहले आ जाता यार प्रोफेशनल जेब कतरा, कौन है उसे बुलाओ भाई, कौन होगा ऐसा प्रोफेशनल? वेल मॉम वो है अपना महाजन इज्दा, हसीनाओं का मैं हूँ साजन इज्दा। वही मैडम वही, जिसकी मम्मी मंगली है और डैडी जंगली है। इतना प्यार ना करे, हमें कुछ हो जाएगा। शर्मा गए ना तुम? शर्मा नहीं है कमसिन, आह जी सेक लगाने जाना पड़ेगा, दर्द बड़ा हो रहा है। और ये सब हमारी ड्यूटी में ना है, जरा दूर रही हमसे, हम समझ रहे हैं सब। मोटी हाय मेरा हैंडसम हुलुलुलु शर्मा गया। अबे ओ बिल्लियों की मौसी, तुम्हें पता नहीं कितनी देर से हमने अपनी आहा खूबसूरती को निहारा नहीं है? शीशा निकाल और हमें दिखा। बताए आईने, इस जहान में हमसे भी खूबसूरत कोई है? शीशा टूट जाएगा क्या? नहीं मैं नहीं बोला, वो गाना है ना, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाएगा, मतलब रीना रॉय ने गाया था, गुड सॉन्ग यार गुड सॉन्ग। वो कहाँ है, मुंह फाड़ आया नहीं अब तक, सिखाने आने वाला था वो। अरे वो बुलाया था मैडम, आता होगा। अरे मैडम नमस्ते नमस्ते, मैं आ गया, यहाँ आता रहता हूँ ना तो घर जैसा लगने लगा है, मम्मी मंगली है डैडी जंगली है। देखो यार तुम्हें पता है ना तुम्हें यहाँ पर बुलाया क्यों है, तुम्हें हमारी इन दोनों मैडम को जेब काटना सिखाना है। अरे ये क्या बात कर रहे हैं सर, मैं और मैडम को जेब काटना सिखाऊं? मम्मी मंगली है डैडी जंगली है। अबे ज्यादा यहाँ जो है ना बिल्कुल सराफत का पोंगा पंडित होने की जरूरत ना है कतई, सब बेरा है बनने। आज से 2 साल पहले तक तू टॉप का एकदम A1 का जो है पॉकेट मार था। हाँ अरे मैडम वो तो था मैं, लेकिन आप भूल गए, आप ही ने तो मेरी क्या टॉप की सुताई की थी, मतलब मैडम ने तो मतलब मुझे लथेड़ लथेड़ के घसीट घसीट के उठा उठा के बिठा बिठा के पटक पटक के पीटा था। तब से सर मैंने जेब काटने का धंधे ही छोड़ दिया और पुलिस की मुखबरी का काम शुरू कर दिया। आपको तो पता है मम्मी मंगली है डैडी जंगली है। Well, डॉट द डू द बकवास इज द, अनिल कपूर ने कहा था जक्कास इज द। ये नया है मैडम। वाह वाह वाह,
नहीं देखो यार, तुम एक काम करो यार, देखो जो कुछ मैडम कह रही है ना, जरा मान जाओ, उसके बाद तुम अमेरिका जाओ या ओमान जाओ, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग की मूली गुस्से के पराठे के साथ सिक गई ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की कातिल कैटरीना, मेरा मतलब है हलकट करीना, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? अरे अरे सर, वो तो मुझे पता है, लेकिन आपको पता नहीं है, मैडम ने ही तो मुझसे कहा था ये जेब काटने का धंधा छोड़ दो। अभी मैडम ही कह रही है कि जेब काटना सिखा दो। आप ही कह रही हैं? अरे मैडम मेरी सुनिए, ये दो कौड़ी के धंधे में क्या रखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी इतनी अच्छी खासी नौकरी है, 10 लोग सलाम ठोकते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है सुनने में, आप ये नौकरी क्यों छोड़ रही हैं? सिखाऊंगा। मम्मी मंगली है, डैडी जंगली है। मैडम ये आपका है, अभी मारा मैंने। ऐसे काटते हैं जेब। बाप रे। मैडम अच्छा हुआ कि मेरी शादी नहीं हुई है, वरना अगर मैं अपनी बीवी को कहता इतना सारा खाना बनाने के लिए ना, तो वो तो मेरी चटनी बना देती। तो तेने क्या लग रहा है, इसकी बीवी इसकी चटनी ना बनाती होगी आजकल? अरे हाँ मैडम, मेरी बीवी ने तो मेरी हालत खराब कर रखी है, मतलब वो एक रोटी बनाती है और एक बेलन खींच के मुझे मारती है, फिर एक पूरी बनाती है और एक कड़ची खींच के मुझे मारती है, मतलब एक बनाती है एक मारती है, एक बनाती है एक मारती है, एक बनाती है एक मारती है। वेल मॉम, उस कमसिन ने मुझे बना के रख दिया है नौकरीजदा, मैं राउडी राठौर से हो गया हूँ जोकरीजदा। मैडम अब जिससे पहले वो कमसिन यहाँ पर आ जाए, मैं जाके खाना उनकी टेबल पे लगा देता हूँ, वरना वो कर देंगी मेरा स्वाहा। Well, मैं भी हूँ जाता इसदा, कमसिन के केबिन में झाड़ू हूँ लगाता इसदा। चल जल्दी चल चल चल। बताओ, पूरी चौकी जो है मुंडू बन गई है, कहाँ है थारा जीजा? खाना बना रहे होंगे मैडम अभी तो वो घर पे। जीजा जी जैसा कहेंगे तू ऐसा करेगा? कभी नहीं। क्या फायदा है फिल्में देखने का? लेकिन तुम बंधन। तो आप दोनों को जेब काटने आ गए? सर मुझे तो बहुत 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 अच्छी जेब काटने आ गई है। अगर यकीन ना आए तो सर ये देखिए सर। अरे ये तो मेरा पर्स है। देखा सर, मैं कितना अच्छा जेब काटना सीख गई हूँ। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि बाकी लोगों को भी पूछ लीजिए कि उन्होंने जेब काटना सीखा है या ऐसे खड़े होकर टाइम पास कर रही हैं। सर जिन्हें हम पर शक है वो पहले जरा अपनी जेब टटोल लें। ये तो मेरा पर्स है। हाँ यो आपका पर्स है, और बताना हमारा फर्ज है कि हम वो हैं जो लुटेरों के नाक के नीचे से उन्हीं का माल लूट लें। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।